वेलकम वेलकम बच्चों की दुनिया में वेलकम। मैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स से मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बना रहे हैं कपकेक, वो भी बनाना फ्लेवर में, जो कि बहुत ही मजे का बनता है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये बनाना फ्लेवर कपकेक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है और ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग बनाना यानी कि केले छील लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप जो कुछ केले होते हैं, कुछ ज़्यादा पके होते हैं ज़्यादा, तो वो केले भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपके घर के केले ज़ाया नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप उनसे कपकेक बनाना फ्लेवर में बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। सुवर्स आप देख सकते हैं कि बनाना यानी कि केलों को हम लोगों ने छील लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं। सुवर्स सबसे पहले हम लोग एक बड़ा सारा बाउल ले लेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे केले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी चम्मच की मदद से इसे इस तरह मैं करूँ, आप भी इसी तरह कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुवर्स ये देखिए पीस लिया हम लोगों ने केले को, तो अब हम इसके अंदर तोड़ेंगे अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दो अंडे हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, तो अब हम मिक्सर की मदद से इसे मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स आप चीनी की जगह, पाउडर चीनी की जगह शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अब मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह ये ऐड करेंगे और इसकी क्वांटिटी है 1.5 कप यानी कि 1.5 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे विस्क से। व्यूवर्स पाउडर शुगर यानी कि पाउडर चीनी की क्वांटिटी भी 1.5 कप थी, इसलिए हम लोगों ने मैदा भी 1.5 कप ही डालना है। तो व्यूवर्स अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर जिसकी क्वांटिटी है 1 टीस्पून। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे विस्क की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियां ना बने। सो व्यूअर्स बैटर को हम लोगों ने कप्स में डाल दिया है और कप को फुल नहीं करेंगे, वरना जब हम लोग केक बनाएंगे तो सारा बाहर आ जाएगा फूलने की वजह से, तो इसलिए थोड़ा नीचे ही रखेंगे लेवल। दूसरी तरफ बड़ी देगची में हम लोगों ने डाल दिया नमक और ऊपर रख दिए ट्रे, तो अब इसे प्री हीट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो ढक्कन रख देंगे और 5 मिनट तक प्री हीट होने देंगे। सुवर्स ये देखिए प्री हीट हो चुका है हमारा ओवन, तो अब हम इसके अंदर कप्स रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह जी देखिए कप्स हम लोगों ने रख लिए हैं, तो अब 15 से 20 मिनट तक इसे बेक करेंगे। सुबह जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह केक फूलने पे आ गया है, तो अब 10 मिनट तक और बेक होने देंगे और फिर बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट बाद। व्यूवर्स 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और कपकेक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं और आप निकालना चाहें तो आप निकाल लें। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ।
और इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।